क्वेश्चन इवेलुएट 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 अपॉन 5 होल पावर 5। तो ये जो न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें इसके 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 5। वी हैव टू राइट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट इसमें हमें मल्टीपल ऑपरेशन दिए गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन दिए जाएं तो उसमें हम बोर्ड मैश रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। बोर्ड मैश रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवीज़न अगर है तो पहले डिवीज़न करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई डिवीज़न के बाद में होगा, फिर मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन करेंगे, और लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बोर्ड मैश रूल है इसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे हो रहा है 5 में, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले 5 में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलेगा हमें 5 + 5 मल्टीप्लाई, और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी को आप जब उसी से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर में 1 मिलता है। -5 एज इट इज अपॉन 5 एज इट इज एंड होल पावर 5 चलती रहेगी। अब स्टूडेंट इसके बाद में डिवीजन के बाद में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अब मल्टीप्लाई होगी 5 की 1 से, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 1 = 5 -5 अपॉन 5 होल पावर 5 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन होगा, ठीक है। तो एडिशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 5 अपॉन में 5 है, और होल पावर कितना है, 5 है। अब स्टूडेंट 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी को जब उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आता है, 1 आता है, 1 to the power 5। और स्टूडेंट 1 to the power 5, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगी हुई हो, ठीक है, पॉजिटिव 1 के ऊपर, प्लस में 1 है यहाँ पे, तो प्लस 1 के ऊपर कोई भी पावर लगी हुई हो आंसर में आपको ऑलवेज 1 ही मिलना है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है क्या होगा, 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट।